ममिता मर्डर केस रे दीपक कुमार डीआईजी को प्रेस मीट। प्रेस मीट रे डीआईजी कहिछन्दि जे योजनाबद्ध भाबे ममिता को हत्या करा दैछि। गोविंदकर परक्रिया प्रीति संपर्क रे आशंका करी पूर्व योजना मुताबक ममिता को हत्या करा दैछि। गोविंदक परक्रिया प्रीति संपर्क रे ममिता जानिथिले एवं समस्त को ए बाबत रे कहि देबे बोली गोविंद को सबुबले डराउथिले। तेणु गोविंद योजना करी ममिता को मारिछि बोली प्राथमिक तदंतरु सूचना मिलिछि। गोविंदर परक्रिया प्रीति पाई शिक्षयित्री ममिता हराइले जीवन। परकिया प्रीति प्रघटर आशंका करी सैतान गोविंद ममतांक नेला प्राण। योजना बद्ध भावरे कला हत्या। दोषी गोविंद को पुलिस निज हेफाजत नेबा परे कोर्ट रे हाजर कर दैतिला एवं कोर्ट गोविंद को 5 दिन रिमांड रे पठाइछंती। मामला रे डीआईजी दीपक कुमार प्रेसमिट करिछंती। प्रेसमिट रे डीआईजी कहिछंती जे योजना बद्ध भावे ममितांकु हत्या करा दैछि। गोविंदर परकिया प्रीति प्रघट आशंका को नहीं पूर्व योजना मुताबक ममिता को हत्या करा दैछि। हत्या करिबा परे स्टेडियम भितरे पूर्वरु खोला जाइथिबा गातरे मृतदेह को रखी कार्डबोर्ड एवं टायर साहाज्य रे पोड़ा जाई गात को पोती दिया जाइथिला। गोविंदक परकिया प्रीति संपर्क रे जानिथिले ममिता एवं समस्त को ए विषय रे कहि देबे बोली गोविंद को कहिथिले। तेणु गोविंद योजना करी ममिता को मारिछि बोली प्राथमिक तदंतरु सूचना मिलिछि। आज कोर्ट रे गोविंद को हाजर करा जाइथिला। पुलिस 7 दिन रिमांड रे नेबा को अपील करिथिला हेले कोर्ट 7 दिन परिवर्तन मात्र 5 दिन पई रिमांड रे नेबा को निर्देश दैछंती। सेपटे ए मामला को नहीं विभिन्न जगह रे आंदोलन होतला बेले प्रमिला मल्लिक कहिछंती जे जदि ए मामला रे कोनोसी मंत्री को हाथ थाए तेबे से दंडित हेबे। पुलिस ता बाटरे काम करूची। एनआईए रो कार्य करथिबा जने दक्ष ऑफिसर ए मामला रो जांच दायित्व रे अछंती एवं घटना रे जहार भी संपृक्ति अछि ताकू छोडा जीवन नाही। ब्यूरो रिपोर्ट निर्भय सूचना।